देखते हैं यहां पर मान लीजिए आपके पास केस नंबर वन आया ठीक है मान लीजिए आपके पास केस नंबर वन के बारे में यहां पर आपके पास इज लेस देन क्या है आपके पास टाउ सी है वी क्या हो गया आपके पास लेस देन टाउ सी हो गया इसका मतलब हम यहां पर क्या करेंगे हम यहां पर प्रोवाइड करेंगे आपका मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट हम यहां पर प्रोवाइड करेंगे आपका मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट क्लियर है अब मैंने दो केसेस बताया था आपको बेसिकली मैंने तीन केसेस बताया था बट मैंने आपको जनरली बताया था कि फर्स्ट वाला जो केस है वो जनरली वहाँ पर उतना ज्यादा कंसिडर नहीं किया जाता है मेनली दो केस होते हैं टाउवी लेस देन टाउसी और टाउवी इज ग्रेटर देन टाउसी टाउवी लेस देन है तो मिनिमम शेयर कर दो अगर आपके पास टाउवी ग्रेटर है तो प्रॉपर आपको डिजाइन करना पड़ेगा वर्टिकल इंक्लाइंट या फिर बेंटअप बार में ठीक है तो अभी अगर मैं मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट के बारे में बात कर रहा हूँ तो आई एस कोर्ट ने इसका फॉर्मूला जो बताया है वो है आपका ए एस वी अपॉन B into SV should be greater than equal to 0.4 upon 0.87 into FY एट सेवन इंटू एफ वाई ठीक है कितना पता है आपको ए एस वी अपॉन बी इंटू एस वी शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू पॉइंट फोर अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ये दोनों के लिए वैलिड होता है वैसे बेसिकली एल एस एम डब्ल्यू एस एम दोनों के लिए वैलिड होता है बट मैं यहाँ पर तो हम लोग पूरा एल एस एम ही पढ़ रहे हैं तो यहां पर जो ए एस वी है ए एस वी क्या आपके पास ए एस वी है आपके पास एरिया ऑफ शियर इन्फोर्समेंट एरिया ऑफ स्टेरअप्स के बारे में बात करूं ठीक है एस वी जो आपको दिया है वो है आपके पास स्पेसिंग है स्पेसिंग ऑफ स्टेरअप्स के बारे में बताया स्पेसिंग ऑफ स्टेरअप्स ठीक है और यहां पर जो एफ वाई है एफ वाई क्या है आपके पास इट इज ग्रेड ऑफ स्टेरअप ग्रेड ऑफ स्टेरप स्टील स्टेरप स्टील ठीक है देखिए दो अलग अलग टाइप की यहां पर स्टील स्टील रे यूज होगी एक तो आपके जो लॉन्गिट्यूडनल बार्स जो है जो फ्लेक्जर में हम जो पढ़े थे मॉडल नंबर टू में और जो शेयर रे है ना वो आपके पास लॉन्गिट्यूडनल बार नहीं है वो किसके अकॉर्डिंग है वो आपके पास स्टेरप्स के अकॉर्डिंग है मतलब आपके पास ये क्रॉस सेक्शन है ठीक है ये क्या आपके पास दिस इज योर क्रॉस सेक्शन ये आपके क्या थे आपके पास लॉन्गिट्यूडनल बार्स थे जो मैं आपको सिंगली री बीम वगैरह में पढ़ाता था ठीक है बट यहां पर आपके पास जो शेयर रेंट है वो आपके पास कैसे होती है वो होती है कुछ इस टाइप से ठीक है वो होती है आपके पास कुछ इस टाइप से ये क्या आपके पास ये है आपके पास शेयर रेनफोर्समेंट ठीक है ये आपके पास क्या है स्टेरप्स है ये जो पूरा जो राउंड करके जो गए हैं ये क्या है आपके पास दिस इज योर स्टेरप्स बेसिकली इसको अगर मैं बात करूं तो ये क्या है आपके पास दिस इज योर टू लेग्ड डिस्टेरअ्स ये क्या आपके पास टू लेग्ड स्टेरप्स टू लेग्ड डिस्टर के बारे में बात करूंगा मतलब यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर आपके पास जो वर्टिकल स्टेरप्स जो के जो लेग दिख रहे हैं वो कितने हैं? वन एंड टू तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम इसको बोलते हैं हम टू लेग्ड स्टेरप्स अगर मैं बात करूं यहां पर अगर मैं बात करूं क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसा है और यहां पर आपके पास जो बार्स जो गए हैं जो स्टेरप के जो बार्स जो गए हैं वो कुछ इस टाइप से ठीक है तो यहां पर मैंने जस्ट इसको वो करने के लिए मैंने क्या किया यहां पर अब यहां पर अगर मैं लेग्स की बात करूं तो कितने लेग्स दिख रहे हैं दिस इज वन टू थ्री एंड फोर तो इसको मैं बोलूंगा दिस इज योर फोर लेग्ड स्टिरप्स इसको हम क्या बोलेंगे दिस इज योर फोर लेग्ड स्टिरप्स ऐसे करके आप सिक्स लेग भी बना सकते हैं आप चाहे तो एट लेग भी बना सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आप चाहे तो लेग्ड ऑफ स्टिरप्स हो सकते हैं ठीक है देखिए बेसिकली होता है क्या है ना कि आपका जो बीम का हो गया या कॉलम हो गया किसी का भी ले लो तो उसका कैसा होगा आपके पास प्रॉपर ऐसे मैश तैयार होगा जिसमें नीचे पे बार्स होगी बहुत सारी और ऊपर में भी क्या होगा आपके पास कुछ बार्स को रखेंगे और उसको हम क्या करेंगे स्टिरप से रोल रोल करके उसको क्या कर देंगे हम बांध देंगे और ये पहला स्टिरप सेकेंड स्टिरप थर्ड स्टिरप ऐसे करके अकॉर्डिंग टू द होल स्पैन जितना भी आपके पास लंबा आपके पास जो बीम है उसमें पूरा आपके पास क्या जाएगा प्रॉपर स्टिरप स्टिरप्स जाएंगे अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ये हो जाता है कि आप अलोंग द जैसे मान लीजिए आपके पास एक सेवन मीटर के आपके पास क्या है आपके पास बीम है ठीक है फॉर एग्जाम्पल आपके पास सेवन मीटर का आपके पास बीम है अब वो पूरे सेवन मीटर में आप क्या करोगे वहां पर स्टिरप्स भी आपके जो मेस्ट तैयार करोगे रिइंफोर्समेंट का उसमें लॉन्गिट्यूटनल पार्ट तो रहेगी रहेगी साथ ही, रहे ही। साथ क्या रहेगा उसमें स्टिरप्स भी रहेंगे मतलब रिंग्स 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 रिंग भी बने होगी और वो पूरा सेवन मीटर्स तक जाएगी अब इसमें ना डिजाइनिंग की अगर मैं बात करूँ तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आप वो जो पूरे सेवन मीटर्स तक आप जो बना रहे हो आप जो रिंग्स जो प्रोवाइड कर रहे हो स्टिरफ्स जो प्रोवाइड कर रहे हो उसका इंपॉर्टेंट फैक्टर ये हो जाता है कि वो उसके स्पेसिंग आप कितनी दोगे आप पूरे सेवन मीटर तक एकदम क्लोज क्लोज आपको रिंग्स डालनी है कि आपको दूर दूर रिंग्स डालनी है ये कैसे पता चलेगा आपको तो इसलिए यहां पर हमें ये वाले जो कंडीशन होते हैं ये आपको निकालना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है अगर मान लीजिए मुझे नहीं पता मैं बोलूंगा कि अरे पास पास डाल दो तो क्या होगा स्टील ज्यादा आ जाएगी स्टील ज्यादा आ जाएगी तो इसका मतलब हमारा स्ट्रक्चर और ज्यादा क्या हो जाएगा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो आप रिंग्स को क्या करिए एकदम पास पास डालिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इन्फोर्समेंट हम डालेंगे तो ठीक है ये बात तो अच्छी है लेकिन होगा क्या कि आप पूरे स्ट्रक्चर को आप एक बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर ले लो ना आप एकदम बड़ा सा स्ट्रक्चर ले लो एक इतनी बड़ी बिल्डिंग ले लो जिसकी कोई हिसाब ही नहीं है ठीक है आप बहुत बड़े स्ट्रक्चर को इमेजिन करके देखो मैं अगर थोड़ा सा रिइंफोर्समेंट में अगर मुझे कम रेनफोर्समेंट की जगह मैं बहुत ज़्यादा रिनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दे रहा हूँ तो सबसे मेन चीज़ क्या हो जाएगी कि पूरे स्ट्रक्चर के लिए मैंने वैसे ही किया तो कॉस्ट तो बहुत हाई चले गया ना मैंने रे के चक्कर में मैंने काफ़ी ज़्यादा उसमें लोहा प्रोवाइड कर दिया उतना वहाँ पर री प्रोवाइड करने की नीड नहीं थी तो क्या हो गया वहां पर कॉस्ट जो था वो बहुत ज़्यादा आसमान छू गया दूसरी चीज़ मान लीजिए मुझे एक्जैक्टली exactly, मुझे पता नहीं है स्पेसिंग कितना रखे मैंने बहुत ज़्यादा दूर दूर रख लिया अब दूर दूर मैंने रिंग्स प्रोवाइड करी तो मेरा कॉस्ट तो काफ़ी कम चले जाएगा क्योंकि एंटायर बीम में एंटायर स्लैब में एंटायर कॉलम में जो स्टीरप्स थे मैंने उसको काफ़ी दूर दूर प्रोवाइड किया बट क्या होगा गया यहाँ पर कॉस्ट तो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया लेकिन क्या वो स्ट्रक्चर सेफ रहेगा नहीं रहेगा वहाँ पर क्रैक्स वगैरह बहुत जल्दी वहाँ पर क्या हो जाएंगे डेवलप हो जाएंगे उसको रजिस्टर नहीं कर पाएगा तो इसलिए हमें एग्जैक्ट हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो स्पेसिंग जो है हमारा जो स्पेसिंग है स्टिरप्स का उसकी वैल्यू हमें एग्जैक्ट पता होनी चाहिए तो ये क्या बता रहा है मिनिमम शेयर रिनफोर्समेंट यहाँ स्पेसिंग की बात नहीं कर रहा है ये बता है आपको मिनिमम आप कितना स्टिरप्स का आप डालिए मतलब मिनिमम मतलब आप मैक्सिमम स्पेसिंग के बारे में बात करेगा जितना आप दूर दूर स्पेसिंग प्रोवाइड करेंगे रे इन्फोर्समेंट उतना ही ज्यादा कम लगेगा जितना आप पास पास रिंग्स को प्रोवाइड करेंगे री एनफोर्समेंट उतना ही ज्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा तो मिनिमम शेयर रिनफोर्समेंट के बारे में अगर मैं बात कर रहा करूँ तो मतलब एकदम कम रिंग्स की क्वांटिटी हमें डालना है तो कम रिंग्स की क्वांटिटी हम कैसे डालेंगे बहुत ज्यादा हम दूर दूर डालेंगे तो यहां पर स्पेसिंग की जो वैल्यू होगी वो बहुत ज़्यादा आएगी समझ में आया तो हम यहाँ पर इसकी बात कर रहे हैं अभी ठीक है तो ये वाला कंडीशन दिया है आपके पास कि आप मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट आप डालिए क्यों डालते हैं मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट सर डालने की नीड क्यों है क्योंकि देखिए अगर आप शेयर इन्फोर्समेंट की अगर आप स्टिरफ्स की वैल्यू अगर आप डालेंगे तो जो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर होगा ओवरऑल जो स्ट्रक्चर होगा उसमें सबसे पहले क्या करेगा वो शेयर को क्या करेगा रेजिस्ट करेगा मतलब जो क्रैक्स जो हम डेवलप होगा मतलब इसके पहले वाले लेक्चर में जो बताया था क्रैक्स जो डेवलप होगा वो उससे क्या करेगा वो वाला जो क्रैक्स की जो डेवलपमेंट है वो नहीं होगी जो स्टेरअप्स होगा वो क्या करेगा सबसे पहले शेयर को क्या करेगा रेजिस्ट कर लेगा दूसरी चीज़ जो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर होगा ओवरऑल जो स्ट्रक्चर होगा उसकी डक्टिलिटी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी क्योंकि आपका जो स्टील जो मटेरियल है वो कैसा मटेरियल है एज अ डक्टाइल मटेरियल है अगर एज अ डक्टाइल मटेरियल है तो आपका जो पूरा जो स्ट्रक्चर जो होगा उसमें आप बहुत ज़्यादा स्टील या प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा ओवरऑल आप क्या कर रहे हैं आप उस स्ट्रक्चर की डक्टिलिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं तो सर डक्टिलिटी इंप्रूव क्यों कर रहे हैं क्या होगा उससे तो फेलियर जो होगा वो डक्टाइल फेलियर आएगा ना और डक्टाइल फेलियर की तो हम हमेशा फेवर में रहते हैं हम ब्रिटल फेलियर के फेवर फे, फेवर में थोड़ी रहते हैं क्योंकि डक्टाइल फेलियर मैंने आपको जो बताया था मॉड्यूल नंबर वन में मॉड्यूल नंबर टू में कैसा बताया था कि डक्टाइल फेलियर क्या है कैसा आपके पास बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल रहता है क्यों क्योंकि वो प्रायर वार्निंग देता है आपको आपको प्रायर वार्निंग देता है कि स्ट्रक्चर एकदम सडन कोलैप्स नहीं हो जाता सडन कोलैप्स हो हो गया तो ब्रिटल फेलियर हो जाएगा। फेलियर जाएगा डक्टाइल में कैसा होता है आपको पहले आपको पहले पता चलता है कि यहां पर आपके पास फेलियर हो सकता है क्योंकि पहले जो फेलियर आता है वो आता है आपके पास स्टील में आता है ठीक है तो इस शेयर इन्फोर्समेंट हम क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं पहली चीज वो रेजिस्ट किसको कर रहा है शेयर को दूसरी चीज क्या कर रहा है डक्टिलिटी वगैरह क्या कर रहे हैं काफी ज्यादा इंप्रूव कर रहा है थर्ड अगर मैं बोलूं शेयर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करने का मेन आपके पास एक और जो पर्पस होगा वो क्या होगा आपके पास कि जितने भी लॉन्गिट्यूडल रिइंफोर्समेंट जो है अगर आप उसको शेयर स्टीरअप से अगर आप उसको बांध दोगे तो ये हमेशा कैसे रहेंगे इंटैक्ट रहेंगे यहाँ पर इंटैक्ट रहेंगे मतलब ये ऐसा नहीं होगा कि एक आपके पास लॉन्गिट्यूडल रिइंफोर्समेंट थोड़ा उधर चले गया जब आप एग्रीगेट डालें एक कुछ उस साइड भाग जा रहा है एक कॉन्क्रीट के ही बाहर निकल जा रहा है ऐसा नहीं होगा आपके पास प्रॉपर स्पेसिंग बने रहेगी लॉन्गिट्यूडनल बार्स ये वाले जो लॉन्गिट्यूडल बार्स है ना जो इस डायरेक्शन में जो गए हैं ठीक है लॉन्गिट्यूडल डायरेक्शन में गए हैं और आपके आपके ये ये वाला प्लेन में आ रहा है है ठीक तो ये वाले जो आपके पास जो पास लॉन्गिट्यूडल बार्स हैं इनको भी क्या करेगा अच्छे से वो बांध के रखेगा तो आपके पास जो एग्रीगेट स्टील कॉन्क्रीट की जो इंटरलॉकिंग होगी वो काफी ज्यादा क्या हो जाएगी स्टेरअप्स के कारण इंप्रूव हो जाएगी ठीक है समझ में आया स्टेरप्स का मतलब इसलिए बोलते हैं यहाँ पर मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट आप हमेशा प्रोवाइड कर दो ताकि आपके पास ये सारी बेनिफिट्स आपको मिले ठीक है तो कंडीशन क्या दिया आई एस कोड ने ए एस वी अपन बी इन टू एस वी शुड बी ग्रेटर देन पॉइंट फोर अपॉन पॉइंट एट सेवन एफ वाई तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ अभी एस वी की तो एस वी कितना हो जाएगा आपके पास ए एस वी डिपेंड करता है कि आप जो स्टिरप्स जो प्रोवाइड कर रहे हो वो टू लेग डिस्टर्ब्स है कि फोर लेग डिस्टर्ब्स है कि सिक्स लेग स्टिरप्स है उसके बारे में बात करेंगे तो ए एस वी आपके पास हो जाएगा नंबर ऑफ लेग इन टू एक लेग का आपके पास एरिया कितना हो जाएगा पाई बाय फोर इन जितना भी और इन्फोर्समेंट का स्टिरप्स की बात करूँ ना मैं देखिए स्टीरप्स का जो बार होगा और ये वाले जो लॉन्गिट्यूडनल सर्कल जो दिख रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल बार होंगे दोनों अलग अलग चीज़ें लॉन्गेट्यूडनल बार की जो डायमीटर होती है बहुत ज़्यादा होती है और स्टिरप्स वाले जो बार्स होते हैं इसकी जो रेनफोर्समेंट की जो आपके पास जो डायमीटर होती है वो जनरली हम लॉन्गिट्यूडनल बार से काफ़ी ज़्यादा कम रखते हैं बेसिकली अगर आप मैक्सिमम टाइम देखोगे तो स्टीरप्स का जो आपके पास जो डायमीटर होता है वो जनरली आपके पास एट एम mm का टेन एम एम का इस टाइप का यूज करते हैं लेकिन अगर आप बड़े स्ट्रक्चर में अगर लॉन्गिट्यूडल बार की यूज बात कर रहे हो तो वहां सिक्सटीन एम एम ट्वेंटी एम एम ट्वेंटी फाइव एम एम ऐसे टाइप के वहां पर बार्स यूज करते हैं ठीक है तो ए एस वी क्या हो जाएगा आपके पास नंबर ऑफ लेग्ड आप फोर लेग लियो कि टू लेग लियो इंटू पाई बाई फोर फाइव का स्क्वायर फाइव मतलब स्टिरप्स का जो आपके पास जो डायमीटर है उसका डायमीटर क्या है आपके पास फाइव का स्क्वायर ये क्या है आपके पास ए एस वी सिमिलरली अगर मैं बात करूँ ये एफ वाई की एफ वाई क्या है आपके पास एफ वाई आपके पास ग्रेड ऑफ रोर्समेंट है लेकिन किसका स्टिरप्स का लॉन्गिट्यूडल बार का मत कर देना ठीक है स्टिरप्स का आपके पास जो ग्रेड है स्टील का इट शुड नेवर बी ग्रेटर देन फोर वन फाइव एम पी है ठीक है फोर वन फाइव से ज़्यादा नहीं लेना लॉन्गिट्यूडल बार में हम फाइव हंड्रेड वगैरह भी लेते थे लेकिन स्टिरप्स uh, में जनरली हम क्या करेंगे <coughs> फोर वन फाइव से ज्यादा हम नहीं लेंगे इसका डायमीटर भी कितना लेंगे हम जनरली लॉन्गिंग से काफी ज्यादा कम रखते हैं दैट इज एट एम एम टेन एम एम ज्यादा से ज्यादा ट्वेल्व एम एम यूज करते हैं उससे ज़्यादा नहीं करते हैं ठीक है तो यहाँ से आप क्या कर लोगे यहाँ से आप ए एस वी आपने निकाल लिया एफ वाई आपको पता है ये वाले कॉन्स्टेंट है बी क्या आपके पास वेट ऑफ द क्रॉस सेक्शन है तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा तो यहाँ से आप क्या कर लोगे यहाँ से आप स्पेसिंग निकाल लोगे एस पी की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लोगे एस वी की जो वैल्यू रहेगी इसका मतलब आपके पास अलोंग द पूरा स्पैन जो आप बीम बना रहे हैं पूरे स्पैन में जो आप स्पेसिंग प्रोवाइड करोगे वो कितनी प्रोवाइड करोगे यहाँ से जो वैल्यू आएगी यहाँ से जो वह मान लीजिए आपके पास 230 थर्टी एम आई तो आपको पता है कि हर रिंग के बीच में आप कितना स्पेसिंग रखेंगे 230 थर्टी mm एम आप यहाँ पर यूज़ करेंगे समझ में आया तो यहाँ से ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है दैट इज़ योर स्पेसिंग तो ये था आपके पास मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट का क्राइटेरिया दैट इज योर केस नंबर वन अगर मैं बात करूं केस नंबर टू के बारे में अगर मैं बात करूं यहां पर केस नंबर टू में केस नंबर टू में हम बात करते हैं कि हमें क्या करना है कि जो टाउवी जो है वो क्या हो रहा है ग्रेटर देन आ रहा है किससे टाउसी से टाउवी क्या हो रहा है आपके पास ग्रेटर देन आ रहा है टाउसी से तो मतलब हम यहां पर क्या करते हैं हम यहां पर करते हैं डिजाइन करते हैं किसको प्रॉपर हम डिजाइन करेंगे किसको शेयर इन्फोर्समेंट को हम यहां पे डिजाइन करेंगे शेयर इन्फोर्समेंट को अब डिजाइनिंग की बात आ गई तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि हम जो शेयर इन्फोर्समेंट जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें शेयर फोर्स कितना आ रहा है शेयर इन्फोर्समेंट हम जो प्रोवाइड करेंगे वो कितने शेयर फोर्स को लेके हम प्रोवाइड करेंगे उसमें आपका शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए तो मैं आपको बताया कैसे निकालेंगे हम वी यू एस निकालेंगे मतलब जो आप स्टीरप्स प्रोवाइड कर रहे हो उसमें शेयर फोर्स कितने शेयर फोर्स को हमें उसको टैकल करना पड़ेगा उसको रेजिस्ट करवाना पड़ेगा तो वी निकालना पड़ेगा वी क्या हो जाएगा आपके पास वी यू माइनस वी यू सी वी यू कितना होता है आपके पास टाओ वी माइनस टाओसी इंटू बी डी मतलब आपको वी क्या हो जाएगा आपके पास टाओ वी माइनस टाउसी इंटू बी डी का आपके पास क्या हो जाएगा डिफरेंस हो जाएगा ठीक है तो ये वाले डिफरेंस मतलब टाउवी के आपके पास एक्चुअल जो डिस्ट्रॉइंग जो आपके पास स्ट्रेसेस जो आ रहे थे ठीक है पूरे आर सी सी में और टाउसी के आपके पास कॉन्क्रीट कितना उसको क्या किया रेजिस्ट कर लिया ठीक है तो वो दोनों का डिफरेंस जो रहेगा वही उतना ही रिमेनिंग पोर्शन हमें क्या करना है स्टिरप्स Stir, को प्रोवाइड करके उसको हमें क्या करना है रेजिस्ट करवाना है तो आप यहाँ से क्या कर लोगे वी यू एस निकाल लोगे ठीक है नॉर्मल आप वी यू माइनस वी यू सी करोगे तो आपको ये वाला फॉमूला मिल जाएगा आप यहाँ से क्या करोगे वी यू एस आप निकाल लेंगे चलिए अब मैं आपको बताया जब भी आप डिजाइन करेंगे तो उसमें अलग अलग पैटर्न के बारे में हम कर सकते हैं सबसे पहले हम वर्टिकल टाइप से भी हम वहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं स्टिरप्स को सेकेंड हम वहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं एज अ इंक्लाइंड स्टिरप्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं और थर्ड हम देख सकते हैं वहाँ पर एज अ बेंटअप बार भी हम क्या कर सकते हैं वहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं अगर मैं बात करूँ यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सबसे पहला कि हम यहां पर कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं एज अ वर्टिकल स्टिरप्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं एज अ वर्टिकल स्टिरप्स हम क्या कर रहे हैं यहां पर प्रोवाइड कर रहे हैं वी यूएस समझ में आया ना आपको वीयूएस क्या आपके पास इट इज द शेयर फोर्स वीयूएस क्या है आपके पास इट इज द शेयर फोर्स शेयर फोर्स रेजिस्टेड बाय रेजिस्टेड बाय द स्टिरप्स ठीक है रजिस्टर्ड बाय द स्टीरप्स मैंने आपको समझाया था कि मान लीजिए टोटल आपके पास हंड्रेड किलो न्यूटन आ रहा है जिसमें से आपके पास एट्टी किलो न्यूटन क्या किया आपका कॉन्क्रीट आपने रजिस्टर करवा लिया आपका कॉन्क्रीट मान लीजिए ट्वेंटी किलो न्यूटन अभी भी रिमेनिंग है तो इस ट्वेंटी किलो न्यूटन के लिए हम क्या प्रोवाइड करेंगे यहाँ पर स्टिरप्स को हम क्या करेंगे यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे समझ में आए ये चीज़ चलिए तो आपने ये वी निकाल लिया अब हम बात करें यहाँ पर वर्टिकल स्टिरप्स की अब देखिए आपका ये वाला बीम जो रहेगा ये जो बीम जो रहेगा यहां पर क्या हो रहा है आपके पास कि हमने यहां पर रिइंफोर्समेंट तो हमने डाला ठीक है अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं स्टीरअस भी प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमने यहां पर क्या किया यहां पर हमने स्टीरअस को प्रोवाइड किया ठीक है हमने यहां पर स्टीरब्स को प्रोवाइड किया अब किसी किसी के माइंड में यह आएगा कि सर हम हमेशा जब भी पहले बनाते थे सिंगली रिन्फोर््ड बीम सिंगली इन्फोर्स बीम में हम हमेशा क्या लगाते थे यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल बार्स हम यहाँ पे लगाते थे ठीक है लॉन्गिट्यूडनल बार्स हमने नीचे पे लगाए टेंशन जोन पे तो सर आप ये ऊपर पे लॉन्गिट्यूडनल बार्स क्यों लगाएं ऊपर पे लॉन्गिट्यूडनल बार्स अगर आप लगा रहे हो तो वो तो डबली रिन्फोर्ज बीम हो गया तो ऐसा हो सकता है क्या कि स्टीरप्स हमेशा डबली रिन्फोर्स बीम में ही आए सिंगली रिन्फोर्स बीम में स्टिरप्स कभी नहीं लगा सकते ऐसा नहीं है ठीक है सिंगली रिफोर्स में मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर टेंशन जोन में हम क्या करते हैं यहाँ पर लॉन्गिट्यूडल बार्स को हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं लेकिन स्टिरप्स को अगर मैं लगा रहा हूँ तो स्टिरप्स को वहाँ पर इस पोर्शन में कंप्रेशन जोन में वहाँ पर कंप्रेशन जोन में बने रहने के लिए भी तो उसको कोई सपोर्ट की ज़रूरत होगी ऐसे हवे में तो रहेगा नहीं वो तो इसी लिए यहाँ पर आपके पास ऊपर वाली जो स्टीरप्स का जो कंप्रेशन जोन में जो आएगा उसको इंटैक्ट रखने के लिए उसको स्टेबल रखने के लिए उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए हमें एटलीस्ट मिनिमम टू री हमें एज अ लॉन्गेट्यूनल देना पड़ेगा ठीक है ताकि वो क्या करे कि आपका जो स्टेरप है उसको क्या मिले स्टेबिलिटी मिले वो ऐसा मूव ना करे ऊपर से नीचे समझ में आ रहा है तो इसलिए हमें यहाँ पर मिनिमम थोड़ा सा हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा एटलीस्ट टू आपको लॉन्गेट्यूनल इन्फोर्समेंट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा समझ में आया तो ये था आपके पास इसका मतलब ये मत समझिए कि आप हमेशा डबली रोज बीम में ही आप स्टिरप्स को प्रोवाइड कर सकते हैं सिंगली रिनफोर्स बीम में भी आप स्टिरप्स को प्रोवाइड कर सकते हैं बस ये है कि एटलीस्ट आप दो लॉन्गेटर इन्फोर्समेंट आप कंप्रेशन जोन में भी आप डालिए ताकि क्या हो आपके पास जो स्टिरप्स है वो उसको क्या मिले उसको सपोर्ट मिले उसको क्या मिले स्टेबिलिटी मिले वो इधर उधर मूव ना करे समझ में आया चलिए तो हमने इसके बारे में बात की अब यहां पर हमें डिजाइन करना पड़ेगा मतलब हमें डिजाइन का मतलब ये है कि आप जो स्टीरप जो प्रोवाइड कर रहे हो वो कितना स्पेसिंग में प्रोवाइड कर रहे हो आप उसमें स्पेसिंग कम दे रहे हो क्या आप उसमें स्पेसिंग ज्यादा दे रहे हो ठीक है तो उसके बारे में हम बात करेंगे तो यहां पर अगर मैं शेयर फोर्स की बात करूं हमें कितना रजिस्ट करवाना है शेयर फोर्स इस्टीरप से हमें शेयर फोर्स कितना रजिस्ट करवाना है वी यू एस शेयर फोर्स होता है क्या आपके पास अगर मैं शेयर फोर्स की बात कर रहा हूं अगर मैं शेयर फोर्स की बात कर रहा हूं तो वो क्या हो जाएगा स्ट्रेस इनटू क्या हो जाएगा वो एरिया शेयर फोर्स क्या हो जाएगा स्ट्रेस इंटू एरिया ठीक है तो अगर मैं यहां पर शेयर फोर्स की बात कर रहा हूं तो वो क्या हो जाएगा आपके पास स्ट्रेस इंटू एरिया लेकिन वहां पर मैं देखूंगा नंबर ऑफ स्टिरप्स भी हमने कितना डाला तो मैं यहां पर लिख सकता हूं नंबर ऑफ स्टिरप्स नंबर ऑफ स्टिरप्स इंटू एक स्टिरप में जो स्ट्रेस आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं दैट इज स्ट्रेस इन द री इन्फोर्समेंट शेयर इन्फोर्समेंट की बात करूँ ना मैं इन टू एरिया ऑफ री इनफोर्समेंट इन टू एरिया ऑफ रिनफोर्समेंट ठीक है इन टू मतलब स्ट्रेस इंटू एरिया तो होता है इन टू नंबर ऑफ कितने ज्यादा आपने स्टिरप्स प्रोवाइड किया यही होगा शेयर फोर्स का फॉर्मूला और तो कुछ बन नहीं सकता तो यहाँ पर अगर मैं वी यू एस लिखूँ वी यू एस लिखूँ तो नंबर ऑफ स्टिर ठीक है नंबर ऑफ स्टिरप्स की अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ मैं बात करूँ <coughs> तो वो कितना हो जाएगा आपके पास टोटल आपके पास टोटल आपके पास अगर मान लीजिए डिस्टेंस कितनी आपके पास d है टोटल आपके पास डिस्टेंस कितनी आपके पास d है और दो स्टिरफ्स के बीच में जो स्पेसिंग है वो कितनी आपके पास दो स्टीरप्स के बीच में आपके पास जो स्पेसिंग है वो कितनी आपके पास एस वी तो नंबर ऑफ स्टीरप्स कितना हो जाएगा टोटल आपके पास डिस्टेंस अपॉन दो स्टिरफ्स के बीच की जो स्पेसिंग है वो कितना हो जाएगा आपके पास एस तो वी तो इस ये दोनों टोटल इस टोटल स्पैन अपॉन दो के बीच की स्पेसिंग अगर आप करोगे तो आपको नंबर ऑफ वहां पर स्टिरप्स आपको मिल जाएंगे ठीक है इन टू स्ट्रेस इन द इन्फोर्समेंट एक स्टिरप में का जो स्ट्रेस है वो कितना है आपके पास पॉइंट एट सेवन इंटू एफ वाई स्ट्रेस कितना आता है आपके पास हमेशा पॉइंट एट सेवन इंटू एफ वाई एफ आई आप समझना एफ वाई आपके पास स्टिरप का ग्रेड है इन टू एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट को कैसे लिख सकता हूँ मैं एरिया ऑफ इन्फोर्समेंट को मैं लिख सकता हूँ ए एस वी अभी आपको बताया था मैं ए एस वी के बारे में अभी आपको बताया था कि स्टीरअप्स का हम ए एस वी एरिया कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ लेग इंटू एक लेग का आपके पास एरिया तो समझ में आया शेयर फोर्स कितना है आपके पास डी अपॉन एस वी इन टू पॉइंट एट सेवन एफ वाई इन्टू ए एस वी मुझे क्या निकालना है मुझे तो स्पेसिंग निकालना है ना स्पेसिंग निकालना है तो अगर मैं स्पेसिंग निकालूंगा एस वी तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा पॉइंट एट सेवन एफ वाई इंटू ए एस वी इंटू डी अपॉन वी यू एस कितना हो जाएगा ये पॉइंट एट सेवन एफ वाई इंटू ए एस वी इंटू डी अपॉन वी यू एस ये क्या है आपके पास ये है आपके पास स्पेसिंग ऑफ द स्टेरप ये क्या आपके पास स्पेसिंग ऑफ द वर्टिकल स्टेरप समझ में आया आपको यहां से क्या निकालना पड़ेगा यहां से आपको स्पेसिंग निकालना डिजाइन का मतलब यह है कि आप जो स्टिरफ्स जो प्रोवाइड कर रहे हो उसके बीचों बीच में आपके पास स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए तो हम पहले टाइप में कैसे डिजाइन कर रहे हैं हम एज अ वर्टिकल हम क्या कर रहे हैं स्टेट हाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं स्पेसिंग का फॉर्मूला तो आप VUS पहले आप निकाल लोगे कितना वी यू एस आप यहां से निकालोगे टी माइनस टाउसी इन टू बी डी ठीक है चलिए अगर मान लीजिए मैं यहां पर मिनिमम स्पेसिंग मिनिमम स्पेसिंग आपको जो बोल रहा है सॉरी मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट में आपके पास जो स्पेसिंग जो आया है ठीक है वो जैसे मान लीजिए आपके पास आया कितना आपके पास जैसे मान लीजिए आपके पास आया है ये आपके पास आया है टू हंड्रेड एम ठीक है ये कितना है आपके पास ये आपके पास आया है टू हंड्रेड एम और यहाँ पर अगर मैं देख रहा हूँ यहाँ पर मैं देख रहा हूँ हमारे पास जो मैं स्टीरप्स प्रोवाइड कर रहा हूँ ये कितना आ रहा है मान लीजिए मेरे पास 150 फिफ्टी mm एम आ रहा है तो आप मेरे को बताइए आप 200 हंड्रेड एम एम प्रोवाइड करेंगे कि 150 फिफ्टी एम प्रोवाइड तो आप कितना करेंगे प्रोवाइड मान लीजिए ये 200 हंड्रेड mm एम आया और ये वाली जो स्पेसिंग है ये आपके पास 150 फिफ्टी mm एम आई तो आप पास पास मतलब 150 फिफ्टी mm एम वाला रखेंगे कि आप 200 दूर, दूर दूर वाला रखेंगे आप हमेशा क्या करेंगे जितना आप क्लोज जितना आप कर सको उतना ज्यादा क्या रहेगा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि आप उतना ज़्यादा रेनफोर्समेंट वहां पर प्रोवाइड कर रहे हैं ठीक है थीके? तो स्पेसिंग का खैर मैं स्पेसिंग के बारे में इसका कोडल प्रोविजन होता है उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा बट हमेशा ये याद रखना कि जो मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट का जो क्राइटेरिया है इसकी जो स्पेसिंग आई है ठीक है इसकी स्पेसिंग जो आई है इसकी स्पेसिंग कितनी आई है आपके पास जैसे मान लीजिए एस आपके पास आया यहाँ पर इन केस एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए एस आपके पास आया 250 mm, है टू फिफ्टी ठीक है एस आपके पास आया है टू फिफ्टी किसी भी कंडीशन में किसी भी कंडीशन में ये वाली स्पेसिंग क्रॉस नहीं होनी चाहिए किसी भी कंडीशन में आप जब भी डिजाइन कर रहे हैं आप जब भी डिजाइन कर रहे हैं ये वाली जो स्पेसिंग है ना ये वाली स्पेसिंग कभी भी इससे ज्यादा स्पेसिंग नहीं प्रोवाइड करना चाहिए क्यों क्योंकि सर ये देखो ना ये क्या है आपके पास मिनिमम शेयर री इसका मतलब यह है कि आप सबसे कम से कम भी अगर आप उसमें स्टील प्रोवाइड करोगे सबसे कम से कम स्टील प्रोवाइड मतलब स्टीलऑफ प्रोवाइड मतलब मैक्सिमम स्पेसिंग के बारे में बात कर रहे हैं आप कम स्टिरप्स कब प्रोवाइड कर सकते हो जब आप बहुत दूर दूर आपने क्या किया है एक के बाद एक रिंग्स को आपने डाला है तो सबसे मिनिमम तभी होगा जब आपने सबसे मैक्सिमम स्पेसिंग आपने रखा है अगर आप पास पास स्पेसिंग डालोगे तो आपका जो री है आपका जो स्टिरप्स है वो तो बढ़ते जाएगा लेकिन अगर मैं बोलूँ कि री मुझे सबसे कम से कम रिंग्स डालनी है तो मैं कितना डालूंगा दूर, दूर दूर ही डालूंगा ना मैं काफ़ी ज़्यादा दूर दूर डालूंगा तो वहाँ पर आपको इस कंडीशन में आपको जो स्पेसिंग मिलती है वो मैक्सिमम स्पेसिंग मिलती है उस स्पेसिंग को आप कभी भी आप कभी भी याद रखेगा उसको आप और ज्यादा आप उसको वहां पर उस लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते वरना अगर आप इसको भी आपने क्रॉस कर दिया तो जो मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट था उससे भी कम आपके पास क्या कर रहे हो आप स्टेरअप्स को प्रोवाइड कर रहे हो तो आप हमेशा याद रखना कि जब भी आप डिजाइन करोगे जब भी आप स्पेसिंग निकालोगे वो वाली स्पेसिंग हमेशा इससे कम ही होनी चाहिए अगर इससे ज्यादा हो गई मान लीजिए वो 300 हंड्रेड एम आ गई तो आप 300 हंड्रेड mm एम मत यूज़ करना आप कौन सी यूज़ कर लोगे आप 250 फिफ्टी mm एम ही यूज़ करोगे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हालांकि मैं स्पेसिंग में कोडल प्रोविजनस आते हैं अलग अलग वो मैं आपको बताऊंगा तो और ज़्यादा ईजीली आपको समझ में आ जाएगा क्लियर ये वाली चीज़ क्लियर हो गई तो ये क्या था आपके पास वर्टिकल स्टिरप्स था फॉर्मूला आपको समझ में आया कैसे निकाला मैंने पॉइंट एट सेवन एफ वाई ए एस वी डी अपॉन वी यू एस इसको आप याद कर लीजिएगा क्लियर चलिए अब अपन देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट नेक्स्ट टाइप का अगर मैं स्टिरप्स की बात करूँ तो नेक्स्ट स्टेप्स में कौन सा बताया था हम यहां पर कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं एज एन इंक्लाइंड स्टेरप्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं एज एन इंक्लाइंड स्टेरप्स भी हम क्या कर सकते हैं इसको प्रोवाइड कर सकते हैं अगर मैं इंक्लाइंड स्टेरअप्स की बात कर रहा हूं मतलब ये हमारे पास क्या है ये बीम है ठीक है यहां पर क्या हो रहा है आपके पास सेम अगेन कैसा आ रहा है आपके पास सेम क्या आ रहा है आपके पास हमने यहां पर रिनफोर्समेंट हमने प्रोवाइड कर दी लॉन्गिट्यूडल बार्स हमने प्रोवाइड कर दिया ऊपर वाला मैं फिर से बता रहा हूं अगर सिंगली रिनफोर्स बीम भी होगा तो भी आप मिनिमम दो आप बार्स ऐसे डाल देना जो स्टिरप्स को क्या कर पाए होल्ड कर पाए आप चाहे वो ईजीली क्या कर सको उसको बांध सको स्टिरप्स को ठीक है नहीं तो डबली रिनफोर्स में तो हम हमेशा कॉम्प्रेशन में तो डालते ही है. कोई दिक्कत है नहीं अब क्या हो रहा है यहां पर ये जो सेंटर वाला जो पोर्शन होगा ये क्या है आपके पास सेंटर वाला पोर्शन है देखिए अब यहां पर थोड़ा कंसेप्ट के बारे में समझते हैं मैंने आपको बताया था इसके पहले जब क्रैक्स जब पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि यहां पर क्या होता है आपके पास यहां पर आपके पास टेंशन डायगेल फेलियर आता है डायगेल टेंशन फेलियर देखने को मिलता है डायगेल टेंशन फेलियर देखने को मिलता है कितने एंगल पे मिलता है वो 45 डिग्री के कितने एंगल पे देखने को मिलता है वो 45 डिग्री के एंगल पे देखने को मिलता है अब मैंने क्या बताया था कि जो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस जो आ रहे हैं उसके नॉर्मल क्या होता है आपके पास उसके नॉर्मल्स आपके पास क्या होता है क्रैक्स डेवलप होते हैं मतलब ये क्रैक्स जो डेवलप हुए हैं ये वाले जो क्रैक्स डेवलप हुए हैं वो कितने डिग्री पे थे वो 45 डिग्री पे थे 45 डिग्री पे ये जो क्रैक्स हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं 45 डिग्री पे क्रैक्स क्या हो रहे हैं यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं हमने ये चीज़ देखी थी अच्छे से अब ये जो क्रैक्स जो आ रहे हैं ये जो आ रहे हैं मैं रिन्फोर्समेंट डालूंगा तो क्या होगा रिनफोर्समेंट अगर मैं डालूंगा तो ये क्रैक्स को क्या करेगा वो ईजिली रेजिस्ट कर लेगा मतलब ये क्रैक्स को बढ़ने से क्या करेगा वो रोक देगा समझ में आ रहा है रे हम डालते क्यों हैं ताकि वो क्रैक्स जो आ रहे हैं ये वाले जो क्रैक्स आ रहे हैं इसको क्या कर ले वो नहीं आने दे ठीक है तो इसीलिए हम क्या करते हैं यहां पर जो इंक्लाइंट स्टिरप जो आप डालोगे ये कैसा आ रहा है फोर्टी डिग्री में आ रहे हैं तो हम इसको कैसे डालते हैं हम हम यहां पर एज अ इंक्लाइंट हम यहां पर क्या डालते हैं एज अ स्टिरफ हम यहां पर प्रोवाइड करते हैं इंक्लाइंट स्टिरप हम क्या करते हैं यहां पर एज अ इंक्लाइंट स्टेरप हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं कुछ इस डायरेक्शन में तो जैसी आपके पास ये जो क्रैक्स आपके पास जैसे आएंगे ठीक है तो आपके क्रैक्स क्या होगा आपके पास ये वाले स्टील जो आपने डाला है इसको वो क्रैक्स क्या कर पाएंगे इसके आगे नहीं बढ़ पाएंगे ठीक है क्रैक्स जो होंगे वो क्या होगा आपका इसके आगे क्या होगा वो स्टील क्या करेगा उसको रेजिस्ट कर लेगा समझ में आया समझ में आ रहा है कि मैं क्या बता रहा हूँ ये जो क्रैक्स जो डेवलप हो रहे थे पूरे वो क्या करेगा कि आपके जो इंक्लाइंट स्टीरप जो हैं, वो क्या कर लेगा उसको ईजिली क्या कर लेगा वो रेजिस्ट कर लेगा ठीक है एक बार डायग्राम में इस इंक्लाइंट का फिर से बना देता हूँ क्रैक्स वगैरह काफी सारी चीजें आ गई इसमें तो यहां पर आप समझ जाना। डायग्राम भी थोड़ा सा मैं फिर से इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इसमें भी एक दो चीज और बतानी है तो आप यहां पे क्या करोगे कि आपका जो लॉन्गिट्यूडल बार आपने जो डाला हुआ है इसमें आपने जो आप जो स्टिरफ्स जो प्रोवाइड करोगे वो कैसे प्रोवाइड करोगे एज एन इंक्लाइंड स्टीरअप आप यहां पर प्रोवाइड करेंगे समझ में आए ये चीज तो आप यहां पर कैसे प्रोवाइड करोगे एज एन इंक्लाइंड स्टीरअप आप यहां पे प्रोवाइड करोगे और वो एंगल कितना है वो एंगल है इसको हम बोलते हैं एल्फा ठीक है कितना होता है ये एल्फा एल्फा की जो वैल्यू है वो फोर्टी फाइव डिग्री से कम नहीं होनी चाहिए इट शुड नॉट बी लेस देन फोर्टी फाइव डिग्री ठीक है समझ में आया यहां तक चलिए अब अपन बात करते हैं यहां पर अल्फा के बारे में बात कर लिए अगर मैं बात करूं यहां पर स्पेसिंग की सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है आपके पास स्पेसिंग तो आपके पास ये जो स्पेसिंग आपने वर्टिकल कितना निकाला था आपने ये वाला स्पेसिंग निकाला था बस आप इसी को याद रखिए इसकी इस स्पेसिंग के फार्मूला कितना था पॉइंट एट सेवन एफ वाई ए एस वी इंटू डी अपॉन वी यू एस जब भी आप इंक्लाइंट प्रोवाइड कर देंगे तो यहाँ पर एक एडिशनल टर्म आ जाएगा वो क्या आपके पास साइन एल्फ़ा प्लस कॉस एल्फा ठीक है इसके पीछे आप डिराइव करने के लिए काफी ज्यादा डेरिवेशन टाइप का देखना पड़ेगा एक एक सेक्शन काट के दिखाना पड़ेगा उतनी नीड है नहीं आप बस याद कर लीजिए वर्टिकल स्टिरप्स के साथ यहां पर एक टर्म एक्स्ट्रा आता है साइन एल्फा प्लस कॉस एल्फा एल्फा क्या आपके पास जितने एंगल पे आपके आपके आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं यहां पर इंक्लाइंट स्टिरप्स को आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्या है आपके पास वो है आपके पास अल्फा क्लियर है ये चीज क्लियर है आपके पास तो ये क्या था आपके पास इंक्लाइंड स्टिरप्स की बात हो रही थी देखिए इंक्लाइंड स्टीरअस अगर आप देखोगे ना इंक्लाइंड स्टीरप्स अगर आप देखोगे तो ये क्रैक्स कैसे आ रहे थे आपके पास 45 डिग्री में आ रहे थे और 45 डिग्री में आ रहे थे तो अगर मैं इसको इंक्लाइन डाल रहा हूँ तो क्या करेगा क्रैक्स को और ज़्यादा इफेक्टिवली क्या करेगा वो उसको रेजिस्ट करने में हेल्प करेगा क्योंकि क्रैक्स का डायरेक्शन कैसा होता है फोर्टी डिग्री में ही होता है और मैं अगर मैं इंक्लाइन डालूंगा तो बहुत ईजिली क्या कर लेगा वो उसको डेवलप करने से रेजिस्ट करेगा तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि इंक्लाइंट स्टीरअप जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्रैक्स को रेजिस्ट करने में इट इज़ मोर इफेक्टिव देन वर्टिकल स्टेरप्स बट स्टिल वी डोंट यूज इंक्लाइंड स्टेरब्स वी यूज वर्टिकल स्टेरप्स इसके पीछे रीजन क्या है जब मैं बोल रहा हूं कि यहां पर इंक्लाइंड स्टेरप्स ज्यादा इफेक्टिव है क्रैक्स को रोकने के लिए इन टर्म्स ऑफ वर्टिकल स्टेरप्स बट स्टिल हम यहाँ पर इंक्लाइंड को हम कम यूज करते हैं या फिर ऑप्सिलिट है हम मैक्सिमम जो यूज़ करते हैं हम वर्टिकल स्टेरप्स को भी प्रीफरेंस देते हैं क्यों क्योंकि इसके पीछे भी रीजन है रीजन क्या है आपके पास कि जब आपके पास स्ट्रेस रिवर्सल होगा रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस मतलब आपके पास जैसे अर्थक्वेक कंडीशन हो गई जब आपके पास नीचे से ज्यादा फोर्स आने लग गई कंपेरेटिवली ऊपर से तो क्या हो जाएगा स्ट्रेस रिवर्सल हो जाएगा स्ट्रेस रिवर्सल मतलब ऊपर क्या होता है कंप्रेशन जोन होता है और नीचे क्या होता है आपके पास टेंशन जोन होता है लेकिन मान लीजिए आपके पास अर्थक्वेक कंडीशन आ गया मतलब नीचे से लोड ज्यादा लगने लग गई तो अब क्या हो जाएगा जो कंप्रेशन जोन जो था वो अब नीचे आ जाएगा और टेंशन जोन क्या हो जाएगा ऊपर आ जाएगा क्योंकि लोड अब कहां से ज़्यादा आने लग गई है कंपैरेटिवली नीचे से क्या हो रहा है लोड ज़्यादा आने लग गई है तो ये वाला कंप्रेशन जोन बन जाएगा और ये वाला क्या बन जाएगा टेंशन जोन बन जाएगा तो उस केस में क्या होगा आपके पास अब यहां से क्या होगा आपके पास फोर्टी डिग्री आने लग जाएगा जो क्रैक्स जो होगा वो कहां से आने लग जाएगा इधर से फोर्टी डिग्री आने लग जाएगा तो अगर यहां से इस टेंशन जोन से अगर 45 डिग्री क्रैक्स आने लग गया सिमिलरली यहां से भी टेंशन से 45 डिग्री क्रैक्स आने लग गया तो इस केस में क्या हो जाएगा कि आपने जो स्टेरप्स जो प्रोवाइड की थी अब क्रैक्स यहां से आ रहा है क्योंकि ये टेंशन जोन हो गया है तो ये वाला क्रैक्स और ये वाले स्टेरप्स कैसे एक्ट करेंगे एज अ पैरल एक्ट कर देंगे एक अभी हम क्या लेके चल रहे हैं कि नीचे से आपके पास क्रैक्स डेवलप हो रहे हैं तो ये 45 डिग्री में तो नॉर्मल मैंने डाल दिया स्टेरप्स को तो वो इजीली क्या किया आपको बहुत अच्छे तरीके से उसने क्या किया उसको रेजिस्ट कर लिया लेकिन स्ट्रेस रिवर्सल में टेंशन जोन ऊपर वाला हो गया कंप्रेशन जोन नीचे वाला हो गया क्यों क्यों हो गया सर क्योंकि अर्थ को एक में नीचे से ज़्यादा लोड लगने लग गई नीचे से ज़्यादा लोड लगने लग गई तो नीचे वाला कंप्रेशन जोन हो गया ऊपर वाला टेंशन जोन हो गया तो इस टेंशन जोन से क्रैक्स इस ऊपर से अब आने लग गए फोर्टी डिग्री में तो अगर मैं यहां से अगर मैं क्रैक्स दिखा रहा हूं और मैं यहां से क्रैक्स दिखा रहा हूं तो मेरा क्रैक्स भी फोर्टी डिग्री पे है और मेरा जो इंक्लाइंट है वो दोनों क्या हो जाएगा आपस में एज अ पैरल एक्ट करेंगे अब अगर पैरल एक्ट कर रहे हैं तो क्या वो इफेक्टिव होगा उसको रोकने में नहीं वो तो यहाँ से दोनों स्टिरप्स के बीच से भी आ जाएगा दोनों स्टिरप्स के बीच से भी क्या हो जाएगा क्रैक्स आ जाएगा तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं स्ट्रेस रिवर्सल की कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हम इनक्लाइंट स्टिरप्स को हम क्या करते हैं प्रोवाइड हम नहीं करते समझ में आया तो इसीलिए ये वाली जो आपके पास इंक्लाइंस स्टिरप्स है स्ट्रेस रिवर्सल या फिर अर्थक्वेक जो प्रोन एरियाज है, वहाँ पर हम कभी प्रोवाइड नहीं करते कभी भी अर्थक्वेक आया तो पूरा आपके पास क्या हो जाएगा स्ट्रेस का क्या हो जाएगा वहाँ पर रिवर्सल देखने को मिलेगा तो दोनों स्टिरप्स और क्रैक्स कैसे हो जाएंगे पैरेलल हो जाएंगे तो वहां पर बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं कर पाएगा आपके स्टिरप्स उन क्रैक्स को ठीक है तो इसलिए हम क्या करते हैं वहां पर वर्टिकल स्टिरप्स हम वहां पर कंपैरेटिवली ज्यादा यूज़ करते हैं जब भी आप डिज़ाइन करोगे ना तो मेनली आपको वर्टिकल स्टिरप्स से डिज़ाइन करते हैं इंक्लाइंड और बेंटअप बार्स वहां पर ज़्यादा डिज़ाइन नहीं करते हैं ठीक है बेंटअप पार्ट्स के बारे में आपको बताया था मैंने बेंटअप बार्ट क्या होता है आपके पास मैंने लास्ट वाले लेक्चर में आपको उसका ड्राइंग बना के दिखाया था कि नीचे ही लॉन्गेटल बार्स को ही हमने क्या किया लास्ट लास्ट से हमने क्या किया उसको हमने वहाँ पर रिमोल्ड कर दिया ठीक है हमने वहाँ पर उसको डायगेल हमने वहाँ पर उसका लास्ट लास्ट से हमने उसको मोड़ दिया तो वो क्या हो जाता है आपके पास बेंटअप बार्स हो जाता है समझ में आए डिज़ाइनिंग कैसे करना है शेयर की तो ये था आपके पास वर्टिकल स्ट्रेस इंक्लाइंट स्टेरअप्स ये सारी चीज़ें थी मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट ये था ठीक है इसके बाद अपन देखेंगे कि आपके पास जो कोडल प्रोविजंस वगैरह भी जो होते हैं कोडल प्रोविजंस वगैरह जो होते हैं उसके बारे में बात करेंगे उसमें मेनली डिज़ाइन स्टिरब्स का डिज़ाइन मतलब मेनली हम बात करते हैं स्पेसिंग की ठीक है कि आप जो स्टिरप्स जो रिंग्स आप जो दे रहे हो मैश में उसकी आप स्पेसिंग कितनी कितनी रखोगे ये आपके पास ज़्यादा कंसर्न वाली चीज़ें होती है तो आप यहां से आप देख सकते हो कि स्पेसिंग आप कैसे कैसे निकाल सकते हो इसके बाद अपन देखेंगे कि आपके पास जो आई एस कोडल प्रोविजन्स जो बताया वो और अपन देखेंगे कि वेरिंग डेप्थ में अपने जो टाउवी जो निकाला था शुरू में वो मैंने बताया था प्रिजमेटिक बार के लिए मैं आपको बताया अगर जो उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो कैसे कर रहा है वेरी कर रहा है तो उसमें टाउवी की वैल्यू कैसे निकालेंगे एक बार उसको भी अपन चेक कर लेंगे ठीक है